फ्रेंड्स, बॉम्बे कराची हलवा बनाने के लिए हम सबसे पहले कॉर्नफ्लोर लेंगे 1 कप। इसका डबल हम चीनी लेंगे, घी लेंगे, खरबूज का बिया लेंगे, इलायची लेंगे, छोटी इलायची 4-5 को मैंने क्रश कर लिया है। या हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे, नींबू का रस लेंगे 1 चम्मच और पानी लेंगे। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एक बड़ा बॉल ले लेंगे, उसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसे घोल लेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहनी चाहिए। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, तो इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, अब हम एक पैन ले लेंगे, उसमें चीनी डाल देंगे, अब इसमें पानी डाल दें। फ्रेंड्स, अब हमें इसे चला लेना है और इसे हमें बॉयल होने देना है। तो हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है 1 या फिर 2 तार की, बस जब तक ये अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक हमें इसे ऐसे ही पकाना है। फ्रेंड्स, ये देखिए ये मेल्ट हो चुकी है। तो अब इसमें हम नींबू का रस डाल देंगे और अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इसे लगातार चलाते रहें। फ्रेंड्स, इसे हमें मीडियम फ्लेम पे चलाते रहना है 5-10 मिनट। फ्रेंड्स, ये देखिए ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में हो गया है। तो अब इसमें हम घी डालेंगे और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। फ्रेंड्स, अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। फ्रेंड्स, अब इसमें हम फूड कलर डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा हो गया है। फ्रेंड्स, अब इसमें हम 1 चम्मच घी और डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक ये घी ना छोड़ दे। फ्रेंड्स, अब इसमें हम खरबूज का बिया डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, ये देखिए ये एकदम अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है जमने वाली। तो चलिए अब इसे हम ट्रांसफ़र करते हैं। फ्रेंड्स, तो ये देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो चलिए इसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसे हम इसमें सेट कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिया है। तो अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप वो डाल दें यहाँ पे और इसे हम प्रेस कर देते हैं हल्के हाथ से। फ्रेंड्स, अब इसे हम 3 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे कट करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए इसे मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था रूम टेम्परेचर पे, तो ये अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब हम एक प्लेट ले लेते हैं, उसमें इसे रख देते हैं। इसे देखिए इसे मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब चलिए इसे हम पीसेस में कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे जैसे पीस में कट करना चाहें वैसे इसे कट कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी बनी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करें। फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारी हलवा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए ये कितना स्पंजी बना है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।